क्या था? धर्म की नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी तट पर हर साल माघ के महीने में माघ मेले के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा सालाना धार्मिक मेला लगता है। जनवरी 2022 में लगने वाले माघ मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही है। कोविड काल में लगने वाले माघ मेला सफल और सुरक्षित हो, इसके लिए आज जिला प्रशासन ने संगम तट पर पूजा अर्चना और गंगा आरती कर मेले की औपचारिक तौर पर शुरुआत कर दी है। इस बार माघ मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। माघ मेले के सकुशल संपन्न होने के लिए प्रशासन और तीर्थ पुरोहितों ने संगम की धारा के बीच वेद पाठ कर माँ गंगा की आरती और पूजा अर्चना की और मेले की सफलता के लिए गंगा पूजा कर माँ गंगा का आशीर्वाद मांगा। देखिए, तैयारियां तो हमारी पहले से चल रही हैं, जैसा आप लोगों को पता भी है और समय समय से आप लोगों से हमने साझा भी किया है। आज गंगा पूजन का कार्यक्रम रखा गया था, तो आज से एक तरीके से औपचारिक जो है हमारा मेरा क्षेत्र में बसावट का कार्य शुरू हो गया है और मेलाधिकारी जो हैं उन्होंने जो भूमि आवंटन के लिए जो तारीखें वो भी निर्धारित कर दी गई हैं। सारा काम हमारा समय से है और इस मौके पे मैं एक अपील जरूर करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों को जानकारी है कि कोरोना का जो संक्रमण है नया वेरिएंट के चलते वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो हम अपनी तरफ से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे सब जनता से कि जो लोग भी मेले में आ रहे हैं दोनों डोजेस जो हमारी वैक्सीन की है जरूर लेके आएँ। यहाँ पर शासन की तरफ से जो RT-PCR की जांच है, जो कोविड की जांच है, उसके भी तमाम इंतजाम किए जाएंगे, वैक्सीनेशन के भी इंतजाम किए जाएंगे। बट हम ये जरूर इंसिस्ट करेंगे कि जो लोग यहाँ पे आएंगे, कि स्पेशली जो कल्पवासी आएंगे, वो अपनी दोनों डोजेज लेके आएंगे ताकि यहाँ पे संक्रमण और हम यहाँ बेहतर व्यवस्था दे सकें। और कोई सवाल? कुछ फिर हम आज गंगा पूजन के साथ की शुरुआत हो गई मेले की। काफी तेजी से चलेगा गंगा पूजन, हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पहलू रहता है मेले के जो आयोजन है उसको लेके। और सजावट का कार्य आप लोगों ने देखा भी है, भूमि आवंटन का कार्य जो सरकारी विभाग है उनको सबको हो चुका है और जो हमारी और संस्थाएं हैं उनको भूमि का आवंटन का जो डेट है वो 22 तारीख दी गई है और मुझे लगता है कि सब चीज़ लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ रही है और काम समय से पूरा। सुरक्षा के लिए देखा जाए तो माघ मेले में भारी संख्या में लोग आते हैं, पुलिस बल को कितना तैनात किया जाएगा, क्या रोड मैप आप लोग ने तैयार किया है, CCTV कैमरे और ड्रोन का आकलन कर लिया गया है और विगत वर्षों की भांति यहाँ पे हमारी जो पहली लॉट है पुलिस की वो आ गई है और उसको हम जैसे जो कप्तान साहब हैं यहाँ के और यहाँ के जो पुलिस जो विभाग है उसने अपना आवंटन किया है और आवश्यकता अनुसार हमें जितनी भी फोर्स है फोर्स की कोई कमी नहीं है और हम इसको अच्छी सुरक्षा व्यवस्था देंगे। CCTV कैमरे और ड्रोन से भी पूरी बिल्कुल जो हमारे यहाँ पे CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और जो ऑलरेडी जो परमानेंट CCTV कैमरे लगे हुए हैं शहर में उसके माध्यम से भी उसका मॉनिटरिंग की जाएगी।